हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है ड्यूरिंग काउंसलिंग तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एन बी ई एम एस डी एन बी वर्सेज एन बी ई एम एस डिप्लोमा वर्सेज नॉर्मल पी जी डिप्लोमा जो कि हम एम डी एम एस भी बोलते हैं इन सब में क्या डिफरेंस होता है और अकॉर्डिंग टू रैंक अपने को काउंसलिंग में कौन सा चूज करना होता है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद में फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन वी ई एम एस डी एन बी की तो हम इसको नॉर्मल डी एन बी या फिर प्राइमरी डी एन बी भी बोलते हैं और इस कोर्स का ड्यूरेशन थ्री इयर्स होता है जो कि इक्विलेंट होता है एम के बट इसमें एक अलग स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इसमें आप डायरेक्टली सुपर स्पेशलिटी कोर्स कर सकते हो इन डी जो कि सिक्स ईयर्स का एक पूरा कोर्स होएगा जिसमें आपका प्राइमरी डी एन बी एम डी एम एस के इक्विलेंट जो है वो भी साथ ही आपको सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी आपको करने का मौका मिलता है इन डी एन बी बट ये एम डी एम एस में आप नहीं कर सकते एम डी एम एस के लिए आपको सुपर स्पेशलिटी के लिए दोबारा से फिर से एग्जाम देना होता है देन हम नेक्स्ट बात करें डी एन बी एग्ज़ाम कंडक्टेड बाई एन बी ई वेयर इज एम डी एम एस एग्जाम कंडक्टेड बाई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डी एन बी इज़ ऑफ टू टाइप्स गवर्नमेंट डी एन बी एंड प्राइवेट डी एन बी गवर्नमेंट डी एन बी में क्या होता है सम ऑफ दैम सीट लिविंग पेनल्टी रेंजिंग फ्रॉम टेन लैख टू फिफ्टी लेख एंड सम हैव पोस्ट पी जी बोंड गवर्मेंट डी एन बी अगर आप करते हो तो कुछ में तो आपके सीट लिविंग पेनल्टी होती है वो टेन लैख से फिफ्टी लेख वेरी करती है और कुछ में क्या होता है पोस्ट पी जी बोंड आपको भरना होता है वन ईयर का टू ईयर का ऐसे आपको बोंड फिल करना होता है अगर आप बीच में अगर सीट लीव करते हो तो उसके बदले में आपको ये सब देना होता है अगर प्राइवेट डी एन बी की बात करें तो ऑल प्राइवेट डी एन बी हैव नो बॉन्ड एंड नो सीट लिविंग पेनल्टी प्राइवेट डी एन बी के लिए आपको कोई भी बॉन्ड देने की नीड नहीं होती है और कोई भी सीट लिविंग पेनल्टी नहीं होती है नेक्स्ट आपके एक इंपॉर्टेंट नोट है कि वेदर यू टेक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डी एन बी द फी गिवन टू एन बी ई विल नॉट वी रिफंडेड एंड डिवाइड फ्रॉम थ्री ईयर्स फ्रॉम टेकिंग डी एन बी एडमिशन इफ यू लीव द सीट मिड वे अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट डीएनबी में एडमिशन ले लिया है और जो फ़ीस आपने दे दी है एक लाख पच्चीस हज़ार के समथिंग ये थोड़ी बहुत वेरी होती रहती है ये फ़ीस जो आप आपने एन को दी है वो रिफंड नहीं होगी अगर आप बीच में अगर आप बीच में सीट को लीव करते हो और अगर आप बीच में सीट को लीव करते हो तो तीन साल के लिए आप डिवेड कर दिए जाते हो फ्रॉम टेकिंग डीएनवी एडमिशन ओनली डीएनवी एडमिशन नहीं ले सकते बाकी आप डिप्लोमा या फिर पीजी डिप्लोमा में आप एडमिशन ले सकते हो फॉर थ्री इयर्स बट फॉर डीएनबी आप थ्री इयर्स के लिए डिवेड हो चुके होते हो अगर आपने गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट डी को बीच में आपने मिडवे में अगर उसको लीव कर दिया है सीट को तो आप फिर ऐसा नहीं कर सकते फॉर थ्री इयर्स नेक्स्ट हम बात करते हैं एन डिप्लोमा की तो ये भी एक टू ईयर्स का कोर्स होता है आफ़्टर टू ईयर्स यू नीड टू अपीयर पी डी सी ई टी पोस्ट डिप्लोमा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसके बाद में यू नीड टू डू डी एन बी विच इज ऑफ टू ईयर्स तो ये एक्चुअली डी एन बी के पहले का प्रोसेस हो गया कि अगर आपको डी एन बी करनी है और आपके मार्क्स कम हैं आपके रैंक कम हैं तो आप पहले डिप्लोमा कर सकते हो उसके बाद में आप पी डी सेट एग्ज़ाम दे के डी एन बी कर सकते हो सो so, आफ्टर पी डी सेट यू नीड टू डी एन बी विच इज ऑफ टू ईयर ऑल्सो कोल्ड एज सेकेंडरी डी एन बी प्राइमरी डी एन बी हमने बोला था नॉर्मल डी एन बी को और इसको हमने सेकेंडरी डी एन बी बोला है ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दोनों में आपको मिल सकती है अब ये एक ओनली डिफरेंस है जो कि डिप्लोमा सीट्स को डी एन बी से डिफ्रेंशिएट करता है वो ये है कि आप डिप्लोमा एन बी ई एम एस ओनली नाइन स्पेशलिटीज़ के अंदर ही कर सकते हो जबकि डी एन बी नॉर्मल आप सभी स्पेशलिटीज़ आप में मिल सकती है तो हम बात करें एन बी एम एस डिप्लोमा एक्रीडिएटेड बाई एन बी इन फॉलोइंग नाइन स्पेशलिटी ओनली तो वो है डिप्लोमा इन ऑप्सगानी डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन डिप्लोमा एनस्थेसिया डिप्लोमा ऑफ थेलमोलॉजी डिप्लोमा पीडियाट्रिक डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन डिप्लोमा ई एन टी डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस डिप्लोमा पलमनरी मेडिसिन एंड नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लोमा में आपको मोर नंबर ऑफ सीट्स दैन डिप्लोमा एन बी ई एम एस डिप्लोमा है इसमें आपको ज़्यादा सीट्स मिलती है नॉर्मल डिप्लोमा होता है जो कि एम डी एम एस हम उसको नॉर्मल बोलते हैं उससे ज़्यादा सीट्स आपको एन बी एम एस डिप्लोमा में मिल जाती है तो ईजीली आपको काउंसलिंग में ईज़िली आपको कॉलेज वगैरह अच्छे से मिल जाती है फाइनली हम बात करेंगे डिप्लोमा की जिनको हम नॉर्मल पी जी डिप्लोमा ही बोलते हैं जिसमें हम एम डी एम एस काउंट करते हैं तो ओनली अवेलेबल इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड फ्यू नंबर ऑफ सीट्स अक्रॉस इंडिया पी डिप्लोमा अवेलेबल इन ऑल ब्रांच जितनी ब्रांच है उनमें आपको पी डिप्लोमा करने का मौका मिलता है इट इज़ ऑफ टू ईयर्स कोर्स लाइक एन बी एम एस डिप्लोमा आफ्टर दैट यू नीड टू गिव पी डी सेट एग्ज़ाम देन डू डी एन बी अनदर टू ईयर उसको भी हम सेकेंडरी डी एन बी बोलते हैं फाइनली हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिस की कि अगर आपने पी जी डिप्लोमा किया है या फिर एन बी ई एम एस डिप्लोमा किया है तो इनके देने के बाद में आप कैसे इक्विलेंट हो सकते हो एम डी एम एस और डी एन बी के तो वेदर यू टेक पी जी डिप्लोमा एम बी ई एम एस डिप्लोमा कोर्सेज फॉर टू ईयर्स देन यू नीड टू टेक पी डी सेट एग्जाम लाइक नीट पी जी एग्ज़ाम बट वेरी वेरी लेस कंपटीशन देन आफ्टर पासिंग पी डी सेट यू विल डू सेकेंडरी डी एन बी जो कि दो साल का कोर्स होता है देन आपको टोटल फोर ईयर्स के बाद में आप इक्विलेंट हो एम डी एम एस डी एन बी के तो एक्चुअली आपको टू ईयर्स एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ लो रैंक तो ये आपके लिए एक बेनिफिट भी है कि आपको डायरेक्टली एन बी ई एम एस डिप्लोमा से एम डी एम एस डी एन बी आने का मौका मिलता है तो गाइज ऐसे ही वीडियोज़ आपको इस चैनल पे दिए जाएंगे रिलेटेड टू नीट पीजी तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए थैंक यू वेरी मच